हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सही है, अब तो जान पहचान हो गई। कल समझा दिया था मैंने, अब अननोन थोड़ी रहे हम। अब तो आप मुझे देख रहे हैं और अपने मन की आंखों से मैं भी सबको देख रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी। ठीक है, तो आगे से अपन क्या यूज़ करेंगे हम लोग, हाउ आर यू, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और मेरा जो टॉपिक चल रहा है इस समय, वो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, यानी कि शब्द रचना। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपको कोई भी शब्द यदि सामने आए आपके, तो कम से कम आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसको हम एक सेंटेंस के अंदर कितनी प्रकार से काम में ले सकते हैं, और जब जब हम उसको काम में लें तो उसके अर्थ कितने निकलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कल मैंने एग्जांपल्स दिए थे, फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में कुछ नए एग्जांपल्स हैं उनको रिपीट कर रहा हूँ मैं, और कुछ नए एग्जांपल्स भी हैं वो आप देख लेना कौन कौन से मैंने बता दिए। शायद एक ही मैंने बताया था इसमें से, उसको भी मैंने दोबारा लिख दिया है, तो उसको आप देखेंगे यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आदत डाल लें, यदि वास्तव में आपको कमांड करनी है तो आप आदत डाल लें। किसकी? डिक्शनरी पढ़ने की आदत डालें थोड़ी सी, और डिक्शनरी में आप ये ज़रूर देखें कि ये शब्द वास्तव में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है, ये क्या है। जब इसकी आपको प्रॉपर्टी पता पड़ जाएगी तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके सामने सभी चीज़ें आने वाली हैं कि नाउन के बारे में जानकारी आ जाएगी, आपको नाउन पता चल जाएगा, एडजेक्टिव पता चल जाएगा, वर्ब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो थ्रू आउट पूरी इंग्लिश में आपके काम आना है। कहना चाहिए कि वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश, मेरी ओपिनियन कहती है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो इंग्लिश का दिल होती है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि सब कुछ हो सकता है लेकिन एक वाक्य में वर्ब आपको ज़रूर मिलेगी, और कुछ भी आप हटा सकते हैं उसमें से, लेकिन वर्ब को नहीं हटा सकते। एक छोटी से छोटी वर्ब भी अपना पूरा अर्थ दे जाती है। आपने देखा होगा, आप जनरली कभी कभार हम क्या कह देते हैं किसी से, सिट डाउन, तो तुरंत आदमी बैठ जाता है, इसका मतलब उसकी समझ में आ जाती है। और भी इसको शॉर्ट कर देते हैं, आप कह देते हो गो, तो आदमी तुरंत समझ जाता है कि मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें ना तो मैंने सब्जेक्ट यूज किया, ना कोई ऑब्जेक्ट यूज किया, केवल मैंने वर्ब यूज किया और सामने वाला मेरे मीनिंग को समझ गया। तो इस तरीके से आपको आगे धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आपको सभी चीज़ें आपको नॉलेज में आएंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे कि आपको कभी भी इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आए। आप नोटबुक में ज़रूर इनको नोट करते चलना, रूटीन में बिल्कुल आप बना लें एक नोटबुक, और रूटीन में डेली आप इनको लिखते चलें। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, उसको आप देखेंगे आप, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें ज़रा ध्यान से, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी कल आपको दे दी थी कि वास्तव में ये क्या है। अब आप देखें एग्जाम्पल, ये शायद मैंने कल दे दिया था एग्जाम्पल, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बाई चांस लास्ट में रह गया था ये। हाउस, जनरली हमारी सोच ये कहती है कि हाउस माने क्या होता है, घर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, घर होता है इसका मतलब, मैं भी मानता हूँ सब जानते हैं इसका मतलब घर होता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन चलें, इसका मतलब हो गया क्या, घर। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नाउन, क्योंकि नाउन का मैंने कल ही आपको थोड़ा सा हिंट दे दी थी। मेरी शब्दों पर जरूर जरूर ध्यान दिया करो आप, कि इस दुनिया में जिसका नाम है वही नाउन है, तो मैंने नाम दे दिया, तो उसका क्या हो गया, हाउस, एक नाम दिया उसको घर को, हाउस, ठीक है। तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया, एक एक जगह दिखने वाली कोई चीज़ है, हमें दिख रही है सामने कि ये घर है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हिज हाउस इज वेरी गुड, उसका मकान, अब यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हो रहा किसी तरीके का, एक स्टेबल चीज़ है, उसका हमने नाम दे दिया है हाउस, ठीक है। यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, तो क्या क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। क्या इसका अर्थ हो जाएगा, His house is very good. उसका जो मकान है वो बहुत अच्छा है। अब मैंने इसको चेंज किया है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझनी है जो मैंने इनको चेंज किया है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट एक चीज़ एक मोड में जाकर उसको ख़त्म कर देता है कि ठीक है इसका मतलब यही होता है, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़रा, वर्ब के रूप में यदि मैं बात करूँ तो देखें ज़रा यहाँ पर, द फार्मर हाउस्ड हिज काउ इन द शेड, किसान ने हाउस कर दिया हिज काउ, अपनी गाय को, इन द शेड। अब शेड माने क्या होता है, जो टिन शेड होती है, टिन शेड देखा आपने, जिसमें डाल देते हैं हम किसी चीज़ से बचने के लिए, तो वो शेड होता है, एक तरीके से छाया मिल जाए किसी को, एक तरीके से सुरक्षा मिल जाए।
तो हाउस हिज काउ इन द शेड, तो किसान ने उसको कहां पर सुरक्षित कर दिया, इन द शेड, कल मैंने लिख दिया था, लेकिन यहां पर सुरक्षित करना भी हो सकता है। एक और अर्थ और ज्यादा आपको सरल तरीके से समझना हो तो आप कह सकते हैं शरण देना, उसने उसको कहां पर शरण दे दी, इन द शेड। शरण देने का मतलब क्या हुआ, सुरक्षित कर देना उसको। तो जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो अलग अलग तरीके के मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं चल रहा हूं, तो यहां पर देख लें, इसको अंडरलाइन कर देना, और इसका अर्थ मैंने लिखा भी दिया था, कल मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। आयरन, आयरन केवल आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहा। हमने कोई फंक्शन नहीं किया इसके अंदर, कोई एक्टिविटी नहीं है, केवल हम क्या कह रहे हैं, आयरन। आयरन को मैं यदि यूज करूंगा, नाउन की तरह यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आयरन इज हैवी। आयरन बहुत कैसा है, लोहा कैसा है, बहुत भारी है, तो आयरन इज हैवी। अब एक और चीज़ आती है कि कभी भी आप देखना कि नाउन का जो फंक्शन होता है वो या तो सब्जेक्ट के रूप में करता है या फिर वो ऑब्जेक्ट के रूप में कर देता है, ये और आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो वर्ब है, अब ये कौन सी है, ये हम वर्ब के टॉपिक में समझेंगे कि कौन सी वाली वर्ब है ये, ठीक है। आयरन इज हैवी, आयरन भारी होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, और सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है, नाउन करता है। वर्ब के रूप में यदि मैं बात करूँ तो देखिए किस तरीके से इसको हमने यूज किया है, इसको कि आई आयरन माई शर्ट, मैं अपनी शर्ट को आयरन करता हूँ। अब यहाँ पर इसका अर्थ चेंज हो गया, यहाँ पर आयरन, आयरन किसको हम बोलते हैं, तो प्रेस होती है, यानी कि शुद्ध हिंदी में बात करें तो स्त्री, स्त्त्री करना बोलते हैं उसको, और यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा वर्ब के रूप में। तो ये फंक्शन इसका चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा इसका फंक्शन, यहाँ पर प्रेस करना, यानी कपड़ों पर क्या कर देना, प्रेस करना। तो आई आयरन माई शर्ट, मैं अपनी शर्ट को क्या करता हूँ, आयरन करता हूँ या इस्त्री करता हूँ। क्लियर, यहाँ पर इसका फंक्शन कौन सा हो गया, वर्ब के रूप में हो गया, क्योंकि वर्ब की नेचर होती है उसमें काम का होना पाया जाता है। अब ये फाइनल डेफिनेशन नहीं है कि काम का होना मैंने बोल दिया और फाइनल डेफिनेशन आप इसको समझ के बैठ जाएं। वर्ब के टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब्स जब आएंगे ना आपके सामने 10-12 तरीके की, तब पता पड़ेगा वर्ब्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें एडजेक्टिव के रूप में, और मैंने इसको यूज कर दिया है, एडजेक्टिव के रूप में मैं यूज कर रहा हूँ, यानी कि विशेषण, विशेषण के रूप में जब मैं यूज करूंगा तो निश्चित रूप से किसके साथ में आएगा, ये नाउन के साथ आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव की खास बात होती है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को मॉडिफाई करके चलता है, हमेशा नाउन की विशेषता बता के चलता है। तो इसमें बताया है इसने कि आयरन पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, जो लट्ठे देखे होंगे बड़े बड़े लोहे के जो लट्ठे बने होते हैं, तो उसका नाम क्या दिया है, आयरन पोस्ट, यानी लट्ठे होते हैं वो भी किसके, आयरन। तो ये तो पोस्ट क्या हो गया, ये तो नाउन हो गया। अब नाउन जैसे ये हुआ तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। खंभे या जो बने हुए लट्ठे जो बने हुए किससे बने हुए हैं, वो आयरन से बने हुए हैं, तो इसकी विशेषता किसने बताई, आयरन ने, के मतलब लोहे के जो लट्ठे हैं। आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। नेक्स्ट आगे चलें, लाइट बहुत सिंपल लगता है कभी कभार, हाँ लाइट का मतलब तो क्या होता है, अब लाइट का मतलब तो रोशनी होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, लाइट, लाइट घर में लाइट आती है, लाइट का मतलब रोशनी भी होती है। तो यहाँ पर देखें नाउन के रूप में क्या फंक्शन होता है लाइट का, जब हम इसको यूज करते हैं तो देखिए आगे देखिए ज़रा, द लाइट हैज़ गॉन, लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, फंक्शन देख रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये आपको एस बी ओ सी ए जब आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, वास्तव में सब्जेक्ट होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट की, तब पता चलेगा कि हम सब्जेक्ट मानते थे, मानते किसको थे और होता क्या है सब्जेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं आप, द लाइट हैज़ गॉन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एच बी, ये क्या हो गई, एम बी, मेन वर्ब है। यहाँ पर इससे पहले यूज क्या हुआ है, द लाइट, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन, नाउन का फंक्शन हो गया, यानी लाइट चली गई है। वर्ब क्रिया के रूप में, अब ये खुद फंक्शन करेगी, अब खुद फंक्शन करेगी, यहाँ पर इसका फंक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर केवल इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये फंक्शन करना शुरू कर देगी। तो फंक्शन कैसे शुरू होगा इसका, लाइट द कैंडल, मोमबत्ती को जला दो, जला देना, जैसे ही आपका काम हुआ तो इसके जलाने से क्या जल जाएगी, मोमबत्ती जल जाएगी। तो कैंडल को क्या किया गया, जलाने का काम किया गया, किसने किया, लाइट ने। तो यहाँ पर लाइट का फंक्शन क्या हो गया, वर्ब का, कैंडल को जला दो, लाइट द कैंडल। इसके बाद आगे देखें नेक्स्ट, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट। अब देखने में लगता है कि लास्ट का क्या कोई फंक्शन होगा, लास्ट का मतलब तो अंतिम होता है, लेकिन देखिए किस तरीके का फंक्शन हो सकता है, उसको ज़रा ध्यान से समझें। जब हम लास्ट को नाउन के रूप में यूज करते हैं, केवल मैंने दो इसके यूजेज बताए हैं आपको, केवल दो,
और भी हैं फंक्शंस इसके, लेकिन वो नहीं बताए मैंने, कि बस सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ मैं अभी आपको। लास्ट का मतलब देखें यहाँ पर नाउन के रूप में क्या होगा, ही फॉट टू द लास्ट, वह लड़ा, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, वह लड़ा कब तक, टू द लास्ट, कैसे लड़ा वो, ही फॉट टू द लास्ट। यहाँ पर जो लास्ट है वो नाउन के रूप में किसका फंक्शन दे रहा है, जब इसके साथ जुड़ता है कि वो हिम्मत से लड़ा, फाइट टू द लास्ट। यहाँ पर जो इसका पूरा अर्थ निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखिए नाउन के रूप में क्या अर्थ निकल के आ रहा है, हिम्मत से लड़ना, ही फॉट टू द लास्ट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हिम्मत। आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है आपके सामने, कि वो लड़ा कैसे लड़ा, हिम्मत से लड़ा वो, ठीक है। हिम्मत एक शब्द यूज किया, हिम्मत, हिम्मत क्या हो गया, कोई फंक्शन थोड़ी कर रही है हिम्मत, केवल एक बता दिया हमने कि हिम्मत क्या है, ठीक है। जैसे आप नाउन में जब पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा एक जाकर, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से नाउन के जो यूजेज हैं, जब आपको पता चल जाएगा। वर्ब के रूप में यूज कर रहा हूँ मैं, दिस शर्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये शर्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। देखिए ज़रा, दिस शर्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये शर्ट विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब जैसे ये हुई तो ये क्या किस में चली गई, ये चली गई एम बी में, मेन वर्ब में। अर्थ क्या हो गया कि दिस शर्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये जो शर्ट है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर किसका लास्ट का फंक्शन क्या हो गया, किसका लास्ट लॉन्ग, चलने के अर्थ में हो गया। जैसे मैं बहुत से आपने सुना होगा कि मेरा व्रत लंबा चलेगा, माई फास्ट विल लास्ट लॉन्ग, माई फास्ट विल लास्ट लॉन्ग, मेरा व्रत लंबे समय तक चलेगा। तो वो लास्ट का अर्थ क्या हो गया, चलने के अर्थ में हो गया, लॉन्ग माने ज़्यादा समय तक चलना, तो ये शर्ट ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। यहाँ पर देखें ज़रा, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें ज़रा, ठीक है। आगे आता रन, अब देखो रन का मतलब एक ही दिमाग में इमेज बनती है, रन माने क्या होता है, दौड़ना होता है, केवल हमारे जब हम देखते हैं कभी कि रन, तो रन का मतलब इमेज बन जाती है एकदम, कि रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। लेकिन नाउन के रूप में किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं उसको ज़रा ध्यान से देखें, देखें ज़रा इसको, नाउन का फंक्शन क्या है इसका, ही स्कोर्ड मैनी रन्स, उसने बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे रन बनाए। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर मैंने स्कोर्ड वर्ब के रूप में यूज कर दिया है, मैनी रन्स, अब ये रन्स यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे रन, ठीक है। अब रन्स का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर, अब ये वर्ब नहीं है कि आप समझे कि रन में एस लगा दिया तो रन्स हो गया, दौड़ना नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ही स्कोर्ड मैनी रन्स, उसने बहुत सारे रन बनाए। आगे चलें, आगे देखें ज़रा, वर्ब के रूप में वी शुड रन अ रेस, सिंपल है बी शुड। अब एक बात ध्यान रखना, मॉडल जब हम यूज करते हैं तो मॉडल अपने साथ हमेशा, यानी अपने बाद हमेशा एम बी वन लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, जब जब आप मॉडल यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या हो गया इसका मतलब, बी शुड रन अ रेस, हमें दौड़ लगानी चाहिए, ठीक है, बी शुड रन अ रेस, क्लियर। तो यहाँ पर रन का फंक्शन क्या हुआ, जैसे ही मैंने शुड क्या है यहाँ पर, मॉडल, ये मॉडल हुआ, मॉडल अपने बात क्या लेता है, एम बी वन, तो रन क्या हो गया यहाँ पर, एम बी वन, यानी वर्ब का फंक्शन हो गया। आगे देखें, एक और बहुत अच्छा सा शब्द आ रहा है, रिफ्यूज, रिफ्यूज देखें ज़रा, रिफ्यूज माने क्या होता है, नाउन के रूप में क्या फंक्शन होता है इसका, रिफ्यूज का, द पिट वाज फिल्ड विद रिफ्यूज, ये जो पिट माने क्या हो गया, गड्ढा, द पिट वॉज फिल्ड विद रिफ्यूज, ये जो पिट है, ये जो गड्ढा है, इसको भर दिया गया विद रिफ्यूज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कूड़ा करकट, रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया, कूड़ा करकट, तो कूड़ा करकट। अब यहाँ पर क्या होता है, वैसे वर्ब के रूप में तो अर्थ अलग होता है, लेकिन नाउन के रूप में इसका अर्थ चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर देखें ज़रा, द पिट वॉज फिल्ड विद रिफ्यूज, यहाँ पर देखें आप, पिट माने जो गड्ढा खोद देते हैं हम, उसको भर दिया गया किससे, वॉज फिल्ड, इंडर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा वॉज फिल्ड, पैसिव वॉइस में जा रहा है, उसको भर दिया गया विद रिफ्यूज, किससे, कूड़े करकट से भर दिया गया। आप लिख दें यहाँ पर, कूड़ा करकट। लेकिन इसको वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे हम, यहाँ पर देखें ज़रा, सी रिफ्यूज्ड टू मीट मी, उसने मना कर दिया। देखो फंक्शन शुरू हो गया यहाँ पर, किसका फंक्शन हो गया यहाँ पर, यहाँ पर फंक्शन हो गया आपका वर्ब का, सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया टू मीट मी, मुझसे मिलने से उसने मना कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, देखें ज़रा आपके सामने,
किसी भी जो मैंने अंडरलाइन किए वर्ड्स हैं, किसी में भी आपको दिक्कत हो, आप तुरंत, जैसे कल आपको कुछ स्टूडेंट ने पूछा मुझसे, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा कहीं भी जाकर, ठीक है ना। यदि कोई किसी तरीके का कोई वो होगा, कोई किसी तरीके के डाउट आपके मन में है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें भेज दें इससे रिलेटेड, और मैं आपको तुरंत उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको आप नोट करें, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको अपन आगे समझेंगे। देखिए आगे देखते हैं एग्जांपल्स, आगे देखें जरा ध्यान से। जनरली आज तक यही सुना होगा, रूफ माने क्या होता है, देखो जरा, रूफ माने होता है छत, ठीक है, क्या होता है छत। रूफ नाउन, कोई फंक्शन नहीं, एक सिंपल वे में बता रहे हैं, छत, ठीक है। आप यूज कीजिए सेंटेंस में, अब धीरे धीरे यूज करना शुरू कीजिए, अब सोचो जरा इसके बारे में, और भी मैं आपको इस तरीके के वर्ड दूंगा जो आपको अब खुद आपको क्रिएट करने, किस तरीके से आप उसका वो बताएंगे मुझे, पहले आप एक बार समझ लें ध्यान से, इनको पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद आप मुझे बताना। ही स्लीप्स, वह सोता है ऑन द रूफ, कहाँ पर सोता है, छत पर सोता है। बाब हो गई ऑन द रूफ, रूफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, छत, सिंपल छत, कोई किसी तरीके का फंक्शन नहीं है। लेकिन आगे देखे जरा, यहाँ पर आकर सब कुछ चेंज होता जा रहा है। वी हैव टू रूफ द हाउस, वी हैव टू, जब जब हैज और हैव के बाद टू का यूज कर दें तो कंपल्सन दिखना शुरू उसके अंदर हो जाता है। कंपल्सन का मतलब आप समझ रहे हैं, बाध्यता का मतलब ऐसा करना ही है। तो वी हैव टू रूफ द हाउस, हमें हैव टू रूफ द हाउस, हमें घर के ऊपर छत डलवानी ही पड़ेगी, यानी हमें जो हमारा हाउस है, हमारा जो घर है, उसके ऊपर छत का काम कराना ही पड़ेगा, छत डलवानी ही पड़ेगी। तो रूफ क्या हो गया यहाँ पर, जब टू के बाद ये आ रहा है रूफ, तो टू क्या है, टू प्रपोजिशन है, और ये क्या हो गया यहाँ पर, टू प्लस एम बी वन, तो किसका क्या फंक्शन हो गया इसका, इन्फिनेटिव, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गई रूफ एम बी वन, तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू रूफ द हाउस, हमें घर की छत बनवानी ही पड़ेगी, छत पर, घर पर छत डलवानी ही पड़ेगी। फंक्शन किसका हो गया, बाप का। देखिए यहाँ पर देखिए, खाली रूफ, केवल छत बताई हमने कोई कुछ नहीं बताया, केवल छत है, ही स्लीप्स ऑन द रूफ, लेकिन वी हैव टू रूफ द हाउस, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइम, एक और चीज़ आ रही है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है आपके सामने। आज तक आपने केवल रूफ, छत, टाइम, समय, स्किन, त्वचा, यही तो पढ़ा है, लेकिन इसके फंक्शन देखिए अब किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उनको देखो आप जरा, एक और देख लीजिए। टाइम देखा होगा आपने, टाइम जनरली कोई रेयर केस में यूज करता है कि टाइम को हम किसी अलग सेंस में यूज करें। टाइम का मतलब सब क्या कहते हैं, टाइम का मतलब होता है क्या, समय। लेकिन इसको जब, इसका फंक्शन जब इसके रूप में आता है तो स्लाइड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वर्ब के रूप में आ जाता है, और वो इस तरीके का फंक्शन होता है जैसे कि वो कोई काम कर रहा हो। तो देखिए टाइम नाउन के रूप में देखें, योर वॉच कीप्स गुड टाइम, योर वॉच, आपकी घड़ी, कीप्स गुड टाइम, सही समय बताती है। आपकी जो घड़ी है ना, उसमें समय हमेशा सही पता चल जाता है। अब यहाँ पर किस रूप में आया, योर वॉच, आपकी घड़ी, ठीक है, कीप्स गुड टाइम, कीप्स गुड टाइम का क्या मतलब होता है, सही समय बताना, आपकी घड़ी सही समय बताती है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वे में आया, एक पेन रखी है मैंने, वॉच टाइम बताती है, कोई इसका काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें जरा, योर वॉच कीप्स गुड टाइम, और किसका फंक्शन देख रहे हैं हम, टाइम का। तो देखो यहाँ पर तो वॉच, और यहाँ पर देखें आप टाइम, गुड टाइम, सही समय, समय केवल समय को बताया उसने कि हाँ भाई सही समय, इसके अलावा कुछ नहीं है। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोलता ही रहूँगा इस चीज़ को, टाइम नाउन, इसको मॉडिफाई करने वाला क्या होता है हमेशा, वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी, केवल अपने दिमाग में इसको फीड कर लें कि नाउन को जो भी मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम आया वो किसके रूप में आया, नाउन के रूप में, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब आ जाए, अब इसका फंक्शन शुरू होता है वर्ब के रूप में, यहाँ देखिए अब इसका यूज, द ट्रेन इज टाइम्ड टू अराइव एट 6 PM, जो ट्रेन है इज टाइम्ड
उसका समय निर्धारित किया गया है, यानी यहाँ फंक्शन हो गया टाइम का, टाइम फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर इज के साथ टाइम्ड लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, द ट्रेन इज टाइम्ड टू अराइव एट 6 PM। तो यहाँ पर इसका फंक्शन चेंज हुआ, वर्ब के साथ फॉर्म इसकी चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि MB3 हो गई, पैसिव वॉइस में जा रहा है, क्योंकि ट्रेन का जो टाइम है खुद तो ट्रेन खुद तो टाइम को फाइनल करेगी नहीं, किसी के द्वारा किया जाएगा। तो किस में पहुंच गया फंक्शन, पैसिव में, द ट्रेन इज टाइम। लेकिन हमें केवल ये समझना है, केवल यहाँ पर दिमाग कुछ नहीं लगाना, केवल ये लगाना है कि वर्ब है या नहीं है, द ट्रेन इज टाइम टू अराइव एट 6 PM। तो देखें ज़रा यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, देखें ज़रा यहाँ पर क्या हो गई, ये मेन वर्ब। अब जब इज आर एम के साथ जब थर्ड फॉर्म लगती है तो सेंटेंस किस में जाता है, पैसिव में चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए टाइम टू अराइव एट 6 PM, तो ट्रेन का जो समय निर्धारित किया गया है वो कितने का किया गया है, आने का समय 6 PM, एट 6 PM शाम को 6 बजे आने का उसका समय निर्धारित किया गया है। आगे चलें, स्किन, स्किन का मतलब क्या होता है, त्वचा, स्किन, यहीं तक हम सीमित हैं, यहीं तक ही केवल। लेकिन एक बहुत शानदार फंक्शन आपको आज पता चलेगा कि इसका एक फंक्शन और भी होता है, और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज में यूज करें, और किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखें ज़रा, क्या क्या इसका यूज़ है देखें ज़रा। यहाँ पर हर स्किन इज फेयर, कोई फंक्शन नहीं है, हर स्किन क्या हो गया, नाउ, ठीक है। तो उसकी त्वचा इज फेयर, कैसी है, उसकी त्वचा बहुत अच्छी है, फेयर है, साफ है, सिंपल वे में आया, फिर किसके रूप में आया, सिंपल नाउन के रूप में। कुछ कोई करना, कोई फंक्शन नहीं करना पड़ रहा है इसको, कोई किसी तरीके का कोई काम नहीं है, केवल उसकी स्किन, एक बता दिया स्किन है, ये कैसी है, साफ है, फेयर। लेकिन यहाँ पर फंक्शन शुरू हो जाता है इसका, जब हम इसको किसके रूप में काम में लेते हैं, वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। तो देखें ज़रा, ही बिगेन टू स्किन द मैंगोज, यहाँ पर शुरू होता है, देखिए फिर वही हो गया, ही बिगेन MB2, उसने शुरू कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन, उसने शुरू किया, टू MB, टू प्लस MB1, जैसे टू के बाद हमने स्किन लगाया, ये किस में चली गई, MB1 में चला गया ये, तो जैसे ही MB1 में गई तो क्या बन गया, ये टू प्लस MB1 क्या होता है, इन्फिनेटिव का फंक्शन शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हो गया अर्थ, ही बिगेन टू स्किन, उसने बिगेन टू स्किन द मैंगोज, मैंगोज मान क्या होता है, मैंगो माने आम, तो उसने आमों का छिलका उतारना, देखिए जरा, फंक्शन कर दिया शुरू, ही बिगेन टू स्किन द मैंगोज, उसने शुरू कर दिया टू स्किन, छिलका उतारना द मैंगोज, किसका, उसने आमों का छिलका उतारना शुरू कर दिया। अब स्किन, स्किन आप देखें ध्यान से, स्किन का मतलब फ्रूट्स होते हैं, उनके लिए तो क्या होता है, छिलका उतारना हो जाता है। लेकिन यदि आपने देखा होगा कि कभी कभार कुछ लोग जो मरे हुए जानवर हैं उनकी स्किन को काट ले जाते, जिनको टैनर्स बोलते हैं हम, टैनर्स शब्द यूज किया जाता है, तो टैनर्स माने होता है जो स्किन का काम करते हैं, चमड़ी का काम करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जब उनके लिए हम यूज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, चमड़ी उतारना। और चमड़ी उतारने वालों को ये देखे जरा यहाँ पर, तो जब फ्रूट्स के हम छिलके वगैरह उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए यूज होगा स्किन, यानी छिलका उतारना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम जानवरों की यदि चमड़ी है उनका, उनके काम करने वाले लोग जब उसको किसी मरे हुए जानवर को उसकी चमड़ी उतारेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम स्किन शब्द यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू स्किन द मैंगो, छिलका उतारना शुरू कर दिया, लेकिन जानवर के लिए क्या हो जाएगा, चमड़ी उतारना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ हम जिस कंडीशन में इसको यूज करेंगे इसका अर्थ वहाँ पर उसी हिसाब से काम में आएगा। और चमड़ी उतारने वालों को हम क्या बोलते हैं, टेनर्स, टेनर्स, TNERS, ठीक है, उसको बोलते हैं जो चमड़ी उतारने का काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने एग्जांपल्स दे दिए बहुत सारे, और पहले आप इनको समझ लेना, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब मैं अपनी तरफ से आपको, अभी आज तो नहीं, अगले लेक्चर में को शुरू का जब मैं करूँगा उससे पहले मैं कुछ इस तरीके के आपको वर्ड्स दूंगा, उनको आप एक बार ज़रूर कोशिश करके डिक्शनरी देख के उनको इस तरीके से उनके जो यूजेज हैं उनको बताना मेरे लिए, जिससे मुझे लगे कि आपके कितना टॉपिक समझ में आया। अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, जैसे मैंने कल अंतर बताया था हाउ आर यू और हाउ डू डू में, आज एक और अंतर मैं बता रहा हूँ। ये शब्द आ रहा है यहाँ पर हाउस, तो बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है, कई बार पूछा है, आपने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको पहले ही एडवांस में बता रहा हूँ। बच्चे पूछते हैं सर हाउस और होम में क्या अंतर होता है, हाउस और होम में क्या अंतर होता है, हमें ये बता दीजिए सर।
तो आपको मैं एक ऐसा शॉर्ट में बता रहा हूँ जिससे आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इसको। कभी भी आपसे कोई पूछे कि हाउस और होम में क्या अंतर होता है, तो सुनना जरा ध्यान से। जब कोई व्यक्ति मकान बनाता है, जब उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, जब वो मकान दिखता है हमें सामने कि मकान का काम चल रहा है, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, तो हम क्या कहते हैं उसको? हाउस कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, कभी उसको होम बोलते नहीं देखा होगा आपने, कहीं होम है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है उसको हम क्या 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 नाम देते हैं, जो किसी व्यक्ति ने बनवाई उसको हम बोलते हैं हाउस। लेकिन जब उसके अंदर कोई लेडी चली जाती है और उसमें पूजा पाठ शुरू हो जाता है और फैमिली सेटल हो जाती है उसके अंदर जाकर और उसकी साफ सफाई शुरू हो जाती है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहने लग जाते हैं होम। तो शॉर्ट में हम बात करें, आदमी घर बनाता है, औरत उसको क्या बनाती थी है? आदमी क्या बनाता है? हाउस। समझ आ गया? आदमी हाउस बनाता है, औरत उसको क्या बना देती है? होम बना देती है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर आप याद रखेंगे मेरे शब्दों को, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज मेरा। अब मैं आगे आपको बता दूँ कि इस पर बेस्ड, अभी मैंने कहा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ढंग से इनको पढ़ते चलें, आप देख लें ज़रा यहाँ पर, इनको उतार लेना अपनी नोटबुक में। आगे जो भी मेरे जो वर्ड्स होंगे उनको आप एक जगह रफ कॉपी में डिक्शनरी ओपन करके उनको ढंग से थोड़ा टाइम देना, जिससे आपकी यही चीज़ आगे तक काम आनी है। मैंने कह दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब इनका आप यूज करना सीख जाओगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि एक शब्द को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं यहाँ पर आपको अटक, मतलब रुक जाते हैं, हमें पता है कि हम कुछ बोल सकते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये जो इस चैनल, जैसे लकी एजुकेशन चैनल है, लकी सर हैं, तो आप कोई बच्चा यूँ कहना चाहे इंग्लिश में कि लकी सर ने तो अपने चैनल में चार चांद लगा दिए हैं। अब आप जैसे ही आप इस सेंटेंस को बोलना चाहोगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो अब आप किस पर जाओगे कि चार चांद लगाने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करें। तो इस तरीके के सेंटेंसेज जब आपके सामने आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद फिर कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएँ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।